आज की वीडियो में हम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद बोर्ड में एक छात्र से मिलेंगे जो रेलवे अप्रेंटिस करके रेलवे में ग्रुप डी की जॉब पाई है। अभी सितंबर मंथ में आपकी सैलरी ग्रोथ सैलरी कितनी आई है? 2018 वाले में तो चयन हो गए, बट 2019 में जो भर्ती आया, जो अभी जिसका अभी एग्जाम चल रहा है, उसका भी ये फॉर्म डाल दिए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ हैं प्रवीण जी, और प्रवीण जी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके ये रेलवे में जॉब पाए हैं, और रेलवे अप्रेंटिसशिप का दिन है कि इनका जॉब हो गया। तो आज हम इनको फिर से लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन छूट गए थे। तो चलिए हम इनसे जानते हैं शुरुआत से, कैसे कहां से अप्रेंटिसशिप किए, कब इन्होंने फॉर्म भरा, कब इन्होंने सिलेक्शन पाया, कितना नंबर में सिलेक्शन पाया, कट ऑफ कितना गया था इनका, और इनका नंबर कितना आया हुआ था। और दोस्तों ये तेलुगु भाषा जानते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इनको मैं समय दिया हूं कि आप बिल्कुल आराम से, यहाँ निदान बोलते हैं, मतलब यहाँ आराम से बोलना मतलब निदान से बोलना कहते हैं, तो बिल्कुल आप निदान से बात कीजिए और निदान से मेरा क्वेश्चन को आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद आप बताइए। फर्स्ट आपका नाम क्या है? ना पेरु प्रवीण कुमार, నేను గుత్తి డీజిల్ లోకో షెడ్ లో ప్రస్తుతానికి వర్క్ చేస్తున్నాను, డిజిగ్నేషన్ హెల్పర్ నాది। ప్రవీణ్ జీ హెల్పర్ పోస్ట్ ప్రజెంట్ మే కార్య కర్ రహే డీజిల్ లోకో షెడ్ మే, ఔర్ ఎస్సీ కేటగిరీ సే బిలాంగ్ కర్తే హై, ఔర్ సబ్సే పహలే హమ్ జాన్తే హై కి యే కబ్ ఇన్హోనే ఐటీఐ కియా, ఐటీఐ ఆప్నే కబ్ కియా? 2012 పాసింగ్, 2009 to 2012 में। कौन सा आईटीआई? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कंप्लीट किया। उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप कब किया, कब ज्वाइन हुए और किधर ज्वाइन हुए? 2016-2017 में अप्रेंटिस कर दिया मैं, सीआरएस तिरुपति, सीआरएस मींस कैरेज रिपेयर शॉप में 2016-17 अप्रेंटिस कंप्लीट कर दिया। 2016 और 2017 में ये तिरुपति में इन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप फाइनल किया, वहां सीआरएस में फाइनल किया, ये वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप किए थे। तो तिरुपति में सीआरएस वर्कशॉप है, वहां इन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप फाइनल किया 2016 और 17 में। उसके बाद आप बताइए कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म कब अप्लाई किया? मेरा अप्रेंटिस कम्प्लीट 2017 में कम्प्लीट हो गया। बाद में 2018 को नोटिफिकेशन आ गया, मैं फिलअप कर दिया एप्लीकेशन 2018 में, बाद में 2019 एग्जाम लिख किया, 2019 अप्रैल से मेडिकल हो गया, नवंबर से ज्वाइन हो गया, 2019 में ज्वाइन हो गया। आपका ग्रुप डी में कितना नंबर आया हुआ था? 73.35 मार्क्स आ गया, बट जनरल में मेरा नाम नहीं आ गया। इसे एससी से जो कट ऑफ इनका था तो ज्यादा गया हुआ था, 73 से ज्यादा गया हुआ था, 78 के आसपास में गया हुआ था, उसमें इनका रिजल्ट नहीं हुआ। इनका रिजल्ट क्या चीज में हुआ? तो रेलवे अप्रेंटिस का जो कट ऑफ गया हुआ था वो सिर्फ 30 गया हुआ था, 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में अप्रेंटिस वालों का, तो 30 नंबर से इनका चयन हो गया। और ये एससी से बिलोंग करते हैं, जो रेलवे अप्रेंटिस किए थे तो रेलवे अप्रेंटिस वालों में एससी का 30 गया हुआ था कट ऑफ, और इन्होंने लाया था 73, तो इनका बहुत ही आसानी से चयन हो गया। इन्होंने अपना प्रेफरेंस डाला था, जो पहला वही प्रेफरेंस इनको मिल गया। अगर आपका नंबर ज्यादा है, जो भी देते हैं फर्स्ट, वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिकल फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, अप्रेंटिस में जनरल सर्विस फर्स्ट नंबर में फर्स्ट दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, और वही फर्स्ट प्रेफरेंस में इनका उसमें हो गया। 2019 वाली जो भर्ती है उनका जो पोस्ट का नाम है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये पहला प्रेफरेंस डाले थे और उसी में इनका हो गया। बाद में इन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर करके ये डीजल लोको सेड में आ गए। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर जाना चाहते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में म्यूचुअल ट्रांसफर आप जा सकते हैं ग्रुप डी के मामले में। 2018 वाले में तो चयन हो गए, बट 2019 में जो भर्ती आया, जो अभी जिसका भी एग्जाम चल रहा है, उसका भी ये फॉर्म डाल दिए थे, और इन्होंने मुझसे सलाह लिया कि एग्जाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने कहा कि एग्जाम देने मत जाइए,
और एग्जाम देने से क्या फायदा है कि आपका थोड़ा यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो गया है, एक दो इंक्रीमेंट लग गया है और वह सब खत्म हो जाएगा अगर दोबारा एग्जाम देके दोबारा ज्वाइन करते हैं तो। वो तो श्योर है कि अगर दोबारा एग्जाम देते हैं तो होना ही होना है। इनका मैं अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक सर्टिफिकेशन हो जाए। आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? इनका आईडी कार्ड भी सामने में दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पहले ड्यूटी करते थे तो वही का इनका आईडी कार्ड अभी बनाया हुआ है। अभी आईडी कार्ड चेंज नहीं किए हैं, जहाँ आए हैं वहाँ पे चेंज नहीं किए हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे साथ जो अप्रेंटिस करके रेलवे में ज्वाइन किए हैं और 2019 वाली भर्ती में बहुत सारे लड़के आएंगे तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी सितंबर मंथ में आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी कितनी आई है? 27,800। सितंबर महीने की इनकी टोटल सैलरी 27,600 रुपए आई हुई है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।